सो हेलो गाइस, सब कैसे हो? सब बढ़िया, मैं भी ठीक ठाक ही चल रहा हूँ। इधर बीजेएमआई में मैं सारा टीममेट्स को अपना गाड़ी में भर रहा हूँ कि चल रश करते हैं। और पता नहीं, एक होता है टीम में जो नहीं सुनता है ना बात, तो ये 4 नंबर भी रैंडम में ऐसा ही था, ये बात नहीं सुन रहा है। तो मैं इसको बोल रहा हूँ, जब पीछे से गोली पड़ेगा ना भाई, तब तेरे को समझ में आएगा। बोल के हम लोग निकल पड़े कि चल मिड स्ट्रीम चलते हैं, पेलते हैं बंदे। और भाई पीछे से गोली करना शुरू कर दिया, इतना गुस्सा है ना। तो छोड़ो उसको, उसको बाद में देखा जाएगा। हम लोग चल दिए मिड स्ट्रीम की तरफ। तो इधर मेरे को आई थिंक सामने बंदा दिखा, इसलिए मैं सोचा कि चलो भाई लोग उतरो गाड़ी से। मुझे बंदा दिखा, मैं बंदा देख के आता हूँ कितने बंदे हैं, क्या सीन है। भाई लकी हो तुम अगर मैं तुम्हारा टीममेट हूँ। इतना केयर कौन करता है अपना टीममेट का कि बंदा है तो लेके नहीं जा रहा है? क्या मतलब है कि एक बॉट है इसीलिए मैं अपने आप अकेला आ गया? बंदा भी होता तो मैं अकेला ज़रूर आता। और इधर मैं झूठ नहीं बोला कि गाड़ी पलट गया भाई। इधर मैं आया, आके थोड़ा मिड स्ट्रीम को स्काउट करने का कोशिश किया, बंदा दिख नहीं रहा था। तो मैं पहले सीधा गया इधर से जाके, फिर मैं सोचा एक बार बैक क्यों ना आ जाओ, क्या पता बंदा दिख जाए। फिर मैं एक बार बैक आया रिवर्स में, और आई थिंक मुझे बंदा दिखा। तो मैं फिर एक बार गियर में डाल के आगे जा रहा हूँ, और बंदा दिख गया। हाँ, और मैं इतना आलसी लग रहा था ना भाई कि कौन उतर के मारेगा गाड़ी से, पिलो तो इसको पिल के। मैं सोचा इसको ख़त्म भी करूँगा, ख़त्म करूँगा फिर यहाँ से निकलूँगा। इसको ख़त्म किया, रिलोड किया और डायरेक्ट निकल पा रहा है यहाँ से। भाई इधर रहना तो उतना सेफ नहीं होगा ना, क्योंकि मिड स्ट्रीम आपको पता ही है भाई, मिड स्ट्रीम कैसा डेंजर जगह है, कहाँ कहाँ बंदा छुपा रहता है ना, कोई आइडिया नहीं है। 2 नंबर को बोल रहा हूँ कि भाई बैठ चल, तेरे को बंदों को सैर करके लेके आते हैं, मतलब बंदा दिखा के लाते हैं। और इधर एक बॉट, अरे भाई इसको 1 नंबर ने पेल दिया। चलो ये बंदा, अरे मुझे लगा बॉट का पेटी ना गाड़ी के ऊपर बनेगा, ये तो नीचे बना। खैर जो भी हो, ये सब बदमाशी करके हम लोग निकल पड़े कि चलो जाके 2-4 बंदे। इधर देखो ना, ग्लेशियर चमका रहा है एक गोश्त नाम का बंदा। सही है भाई, सही है, इसको मार दूंगा ना, मज़ा आ जाएगा। और ये रहा बंदा, बंदा यही है क्या? नहीं नहीं ये तो नहीं है, पर इसको पेला, और इसने 2 नंबर को भी पेला था। आहा, 2 नंबर को भी रिवाइव करने का सोच रहा हूँ, और 2 नंबर को पेल ही दिया भाई। और मेरी गाड़ी भी ख़राब कर दिया ये बंदा, मेरे को लिटरली दिखा नहीं था, नहीं तो एक हेडशॉट तो पड़ता है बंदे को। कार 98 ऐसे मजाक में लेके नहीं घूम रहा हूँ। खैर छोड़ो, इधर आ गए हम लोग। इधर आके मैं इसको स्काउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ बंदा है किधर, वो दिख ही नहीं रहा है, सच में दिख ही नहीं रहा है। तो एक बात बोलना चाहता हूँ गाइस, ये जो आई कौन है, ये कौन है, ये तो बॉट था, इसको पेल दिया गया है। मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, ये जो ग्लेशियर वाला बंदा है, ये पता नहीं कितना पैसा फूका होगा इसका ग्लेशियर में। उससे अच्छा भाई इतना पैसा तुम गरीबों को दे देते, तुम इधर ग्लेशियर चमका रहे हो, और पता नहीं कौन बिना खा के आज रात को सोया हुआ है। हाँ क्या मतलब है, अच्छा दिखता है ग्लेशियर पर, फिर भी ये देखो फिर से क्या मस्त दिखता है ना भाई। मैं सोच रहा हूँ ये बंदा को मार दूँ, ये ग्लेशियर वाला बंदा को मार दूँ ना, आज का कंटेंट बन गया। मैं पूरा टारगेट में हूँ, इसलिए मैं बोल्ट एक्शन भी, मतलब पूरा किस्मत का बात है क्या, बोल्ट एक्शन लिया हूँ हाथ में, और सामने मेरा एनिमी, और मैं इसको पेल के ही छोड़ूंगी ग्लेशियर से, मतलब मज़ा आ जाएगा इस, सॉरी ग्लेशियर वालों को मैं पेलूंगा ही ये बिना स्किन का कार 98 से। एक्चुअली ये वाला मेरा नया अकाउंट है ना, तो इसमें कोई स्किन वगैरह नहीं है। जो बैग दिख रहा है ना तुमको, ये भी टेम्पररी है। और इधर ये पत्ता वत्ता खा लेता हूँ, क्योंकि ये यूट्यूब जो है ना, ये जोन के बाहर में है, तो इसको लेने के लिए वो जड़ी बूटी मदद करेगा। और 2 नंबर को मैं बोल रहा हूँ कि भाई तू डर गया कि एक बार मर के ना क्या फिर से गाड़ी में बैठेगा, चल और बंदा दिखाता हूँ तेरे को। तो बंदा बैठ गया चुपचाप, और मैं निकल पड़ा और बंदा ढूंढने के लिए। ये गाड़ी भी मस्त है, पर इसमें थोड़ा डैमेज ज़्यादा होता है, पर गाड़ी मस्त है। और बंदा दिख गया, बंदा दिख गया, उतरू ना, कौन उतरेगा, ऐसे ही मार दूंगा इसको। मर गया बंदा, मर गया। और ग्लेशियर अभी भी चमका रहा है ये। भाई तुम बस आखिरी तक जिंदा रहो, ये गोश्त नाम का बंदा, आखिरी तक तुम बस जिंदा रहो, ठीक है? मिलते हैं तुमको लास्ट जोन में, मिलेंगे। और इधर पेल के ही मैं सामने लाल धुआं दिखा मेरे को, और तुम लोग को पता ही है मैं कितना मतलब क्रेज है मेरा आर्मर के लिए। मतलब भाई मैं बंदा मारूँ कि नहीं मारूँ वो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है, पर मेरे पास अल्टीमेट गन्स होना चाहिए, होना मांगता है क्या? जैसे एक्सटेंडेड AKM, कार 98, अभी मैं MG3 उठा लिया। फिर मैं सोचा नहीं 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 मुझे तो एक चाहिए चाहिए बोल्ट एक्शन, क्योंकि मुझे वो ग्लेशियर वाला बंदा को बोल्ट एक्शन से पेलना है। तो मैं कार 98 तो नहीं फेंकूंगा, इधर गाड़ी वाड़ी में बैठ जाऊंगा। तो मैं 2 नंबर को बोल रहा हूँ कि भाई थोड़ा गाड़ी चला देगा क्या, मैं थोड़ा हील करूँगा और रिलोड करूँगा। तो 2 नंबर सुन भी लिया, मतलब मैं तो अपना माइक ऑफ करके रखा हूँ ना, मैं बस माइक्रोफोन खोल के बोल रहा हूँ, मुझे पता नहीं कि वो क्या बोल रहा है। तो बंदा चला रहा है, मस्ती चला रहा है, और मैं अपना फीलिंग विलिंग कर रहा हूँ, रिलोड विलोड कर रहा हूँ, ड्रिंक विंक, और फिर से ग्लेशियर चमकाया, और ड्रिंक विंक मार के निकल रहा हूँ ग्लेशियर बंदा को ढूंढने के लिए, मैं निकल पड़ रहा हूँ। और इधर मैं आके ये गाड़ी ढूंढते हैं, मैं बोला तुमसे ना हो पाएगा, गाड़ी हमको दीजिए।
तो गाड़ी हम ले लिए और इसको अभी हम ड्राइविंग क्लास देंगे कि भाई ड्राइविंग कैसे करते हैं, ऐसे जाके ऐसे तुम कूदा दो तो घर के ऊपर से गाड़ी लेके तुम पहाड़ के बीच में आके खड़ा होके फिर बैक करके फिर रिकॉल टावर जा सकते हो 4 नंबर को रिकॉल करने के लिए। तो हम लोग निकल गए रिकॉल टावर के लिए, रिकॉल भी करना ज़रूरी है ना। मान लिया कि 4 नंबर नहीं आया साथ में, वो हो सकता है, बड़ी किस्मत में लिखा है कि मैं रिकॉल टावर में आऊँ, ये खोलूँ और K98 के जगह में M24 उठाऊँ। वाओ मज़ा आ गया गाइस, बिलीव करो मैं कोई सस्ता नशा तो नहीं किया हूँ, पर पता नहीं मैं उल्टा उल्टा क्यों कर रहा था। जैसे कि 4 नंबर रिकॉल अभी होगा ही नहीं, MG3 के जगह में मैंने M24 का 3X बना दिया 6X को। मतलब ये कोई सस्ता नशा नहीं है, पर पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया था एक्चुअली। मतलब आज क्या हुआ था पता है, मैं गेम खेल रहा था, अचानक से हम लोग के रूम पर पुलिस आ गया, नॉक कर रहा है। तो हम लोग दरवाज़ा खोले तो मैं बोला सर अंदर आइए, अंदर आया, बंदा बोलता है कि इधर हल्ला होता है, म्यूज़िक व्यूज़िक बजता है। तो मैं बोला नहीं सर म्यूज़िक प्लेयर तो नहीं है इधर, सुबह मेरा ड्यूटी है, जॉब के लिए जाऊँगा और मेरा छोटा भाई भी है मेरे साथ में। तो बात बात किए तो विश्वास नहीं करोगे, 9th फ्लोर तक है बिल्डिंग और वो पुलिस लोग आके पूरा 9th फ्लोर तक चेक किया कि कौन सा रूम में पार्टी चल रहा है, क्या चल रहा है। फिर एंड में मेरे को बोलता है सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, तो मैं बोला नो सर इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोल के भगा दिया। और इधर सामने बंदा फायर किया, ये रहा एक एक परा इसको एक परा, और दूसरा बार नाम देखो गाइस यही है वो ग्लेशियर वाला, ओ भाई पेल दिया ग्लेशियर वाला को। तो क्या भाई तेरा ग्लेशियर मैक्स है और मेरा M24 लोहा का है, लोहा का समझा, वो भी 3X से पेला तेरे को समझा। तो आई रियली विश के तू समझ जा ये बात, तेरा दिमाग में घुसा ले कि स्किन से कुछ नहीं होता है भाई, स्किल्स से होता है, समझा क्या। तो निकल पड़े हम लोग यहाँ से, ए जंप के इधर एक नंबर कहाँ है, एक नंबर को भी उठाते हैं गाड़ी में, आओ एक नंबर, अभी मैं माइक खोल दूंगा क्योंकि एक नंबर से भी बात करने का मन कर रहा था कि बहुत हो गया ना बिना बात करके खेल रहा था। तो मैं सोचा इधर एक इंजेक्शन पे लेता हूँ, पर इंजेक्शन कहाँ चला गया, एक इंजेक्शन लगा ही लेता हूँ ना पीछे, क्या पता कब ज़रूरत हो जाए, क्योंकि आखिरी लास्ट बंदे हैं। और गाइस तुम लोग को यू गाइस रियली नोस इट लाइक हाउ दे आर लाइक दोस लास्ट पीपल्स हु लाइक दोस एनिमीज दे इज टू हाइड लाइक एनी थिंग। भाई तुम उसके ऊपर से गाड़ी लेके चला जाओ, वो ना एक फुट स्टेप देगा, ना थोड़ा हिल के देगा, ना कुछ, ना एक पिक देगा, कुछ नहीं। वो जोन के बाहर हिल बैटल कर लेगा, लास्ट बंदा लोग जोन के बाहर हिल बैटल कर लेगा उन लोग से थोड़ा बच के। लास्ट में बंदा लोग बहुत डेंजर होते हैं, बहुत शातिर खेलता है क्या। तो एक नंबर इधर मार्क लगाया कि भाई इधर आजा देखते हैं बंदा है कि नहीं। मुझे नहीं लगा था इधर बंदा होगा, पर फिर भी बोला तो देखना तो पड़ेगा ना, तो देख रहा था मैं घूम घूम के, मैं इतना छुटका सा जोन है और इतने बंदा नहीं है, बंदा ढूंढते जा रहा हूँ इतना छोटा जोन में भाई बंदा नहीं है तो कैसा नहीं लगेगा बोलो। तो मैं सोचा चल जो भी है सो भी है, जोन के बाहर निकलते हैं, जोन के बाहर एक बार चेक मार के आते हैं। गाड़ी घुमाया 5th गियर में डाला, निकल पड़ा एकदम जोन के बाहर, इधर नहीं दिख रहा है भी। तो इधर जाते जाते सामने जोन आ रहा है, जोन हम लोग की तरफ ही आ रहा है। तो मैं बोला गाड़ी घुमाता हूँ जोन में नहीं मरने का क्या। और इधर में मेरा दोस्त लोग मार्क कर रहा है कि वो उधर मॉन्स्टर ट्रक है भाई, वो मैं बहुत पहले देख चुका हूँ, उधर कुछ नहीं है। हाँ आई रियली विश कि वो मॉन्स्टर ट्रक मेरे पास अभी होता, बट इट इज़ ओके, यूट्यूब भी ख़राब नहीं है कहीं भी। अरे सामने से गोली मारा, गाड़ी ख़राब करते, बिलीव इन माई ड्राइविंग गाइस, एक नंबर उतर गया इसको, मेरा गाड़ी चलाने में बिलीव नहीं था, पर 2 नंबर को पता है मैं कैसे चलाता हूँ, 2 नंबर को मस्त पता है। तो वो मेरे साथ आ गया इधर, इधर मैं गाड़ी ठोक के इधर आ गया, मेरे को गुस्सा आ रहा है कि लास्ट जोन के लिए मैंने गाड़ी बचा के रखा था और मेरा गाड़ी ठोक दिया, मतलब फोड़ दिया ये लोग, ऑलमोस्ट फोड़ दिया ना। मैं चला सकता हूँ अभी भी, क्या मतलब है मैं नहीं चलाऊँगा, चला सकता हूँ मैं अभी भी, पर मैं नहीं चला रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा स्नाइपिंग भी करना है, MG3 भी तो चलाना है ना भाई, MG3 का तो एक भी बुलेट शायद नहीं निकाला अभी तक। और बंदा एक नंबर को पेल दिया, हाँ एक नंबर, तुम क्यों उतरा था गाड़ी से, काश तुम आ जाते हम लोग के साथ। तो सामने से गोली पर आना, इधर इधर रुक रुक गोली चला बे, ये गया। और भाई इस टाइम पे ना ये 2 नंबर को देखो, ये ना मेरा परछाई बन चुका था। मैं भाई नहीं, अच्छा है ऐसा ही टीममेट चाहिए, ऐसा ही टीममेट चाहिए। पर फिर भी इधर इधर देखो ये बंदा, आप लोग को पता है ना वो घर का वो छोटा सा एक होल होता है, वो होल से बंदा घुसता है अंदर, तो उधर वो ट्रिक लगा रहा है। मतलब उसका प्लानिंग क्या है पता है वो एनिमी का, कि जोन के अंदर में ये 3 घर है, वो मस्त उसमें छुपा रहेगा, हम लोग आएंगे वो मस्त पेलेगा, एकदम मस्त सा आइडिया है उसका। पर भाई उतना भी इजी नहीं है, तुम्हारा आर्मर ऑलरेडी डैमेज है, पर फिर भी डर तो थोड़ा है क्योंकि लास्ट मोमेंट है, मतलब कोई पैनिक सिचुएशन ना आ जाए, मुझे डर लग रहा है। मतलब जैसे कि मान लो कि ये
दो नंबर को नॉक कर दिया और मैं MG3 की जगह में M24 निकाल दिया और या फिर MG3 रिलोड में आ गया, तो ये सब मेरा दिमाग में तब चलने लग गया और मैं डर गया कि भाई नहीं। और थ्रोएबल भी कुछ नहीं है कि मॉली ग्रेनेड कुछ होगा तो मैं मार दूँ जल जाए बंदा, वो सब भी नहीं है। पूरा मैच खेला ना मेरे को एक मॉली मिला ना मेरे को ग्रेनेड मिला, क्योंकि लूटा कहाँ है भाई पूरा मैच, तो मैं गाड़ी चला रहा था ना, लूटा कहाँ है। इधर मुझे लग रहा है कि बंदा ऊपर है पर नहीं था और अचानक से मुझे मॉली मिल गया। वाह वाह, दैट इज़ ब्लेसिंग। सो मैं मॉले लिया हाथ में पर मैं कन्फ्यूज कि बंदा किधर है। तो एक नंबर अभी मर के बोल रहा है कि बंदा ये मेरा वाला घर में है, पर मुझे लगा नहीं वो वाला घर में है, तो मैं इधर फेंका ना। गाइस विश्वास नहीं करोगे, वो बंदा वहाँ से निकला था एक सेकंड के लिए और मैंने नहीं देखा वो बंदा को कि वहाँ निकला है। तो मैं सोचा तू अगर उस घर में चढ़ सकता है तो क्यों ना मैं भी इस छेद से घुस जाता हूँ। इधर में मैं भी चढ़ गया बंदा को सपोर्ट करने का फुल कोशिश, पर बंदा दिख ही नहीं रहा है और डर के ऊपर डर कि इधर बॉम्ब ना आ जाए। हर हर मतलब एक एक कदम रख रहा हूँ ना डर के रख रहा हूँ, क्योंकि बंदा बहुत इधर फेंका ही कुछ। हाँ ये तो स्मोक था भाई, डर गया था उस स्मोक से कि गया गेम ख़त्म, दोनों बंदा अभी नॉक हम लोग गेम ख़त्म। तो मैं बाहर निकल आया कि हाँ ऊपर तो चला जाएगा फिर से, मैं थोड़ा बाहर आ जाता हूँ अभी, बॉम्बिंग बॉम्बिंग चल सकता है। तो मैं इधर आ गया और भाई इधर आया तो मैं छुपा हुआ हूँ, इधर दो नंबर आके डायरेक्ट जंप कर रहा है इधर आके। मतलब इसको मैं बोलूँगा अभी कि भाई थोड़ा नीचे जा तेरे को देखना ले, बोलने से पहले मैं सोचा स्कोपिंग रेड डॉट से करूँगा, तो मैं रेड डॉट लगा लिया इधर और दो नंबर को अभी मैं बोल रहा हूँ तो नीचे गया और मेरे को डैमेज भी आ गया। भाई मैं थोड़ा अभी हेल्थ करना ज़रूरी है, मैं हेल्थ कर रहा हूँ और बंदा रश पे आ गया। अब भी मैं इतना मतलब मुझे लगा गया गेम से, गेम हाथ से गया, ये बंदा नॉक भी कर दिया इसको और अभी MG3 रिलोड में ना पड़ जाए भाई। ये रहा बंदा और ये रहा चिकन, ये वी डिड इट ब्रो, वी डिड इट। अभी दो नंबर का भाई रिएक्शन आप लोग को क्या बताऊँ मैं, मतलब आप लोग को अगर मैं रिकॉर्डिंग सुना पाता ना तब आप लोग को बिलीव होता है दो नंबर कैसा मतलब खुश हुआ था कि भाई क्या मस्त खेला है तुम। मैं बोला हाँ भाई तुम्हारा सपोर्ट भी बहुत था, अगर तुमको ये वीडियो देखना है तो ये रहा मेरा चैनल का नाम, तुम देख लेना अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना बोल के। तो हम लोग विक्ट्री डांस करने लग गए गाइस। थैंक यू सो मच गाइस ये वीडियो देखने के लिए। आई रियली विश कि मैं आप सबके साथ एक दिन मिल सकूँ, पर फिलहाल तो नहीं मिल पा रहा हूँ, पर एक दिन ज़रूर मिलेंगे। दुआ में हमेशा याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहिएगा।